नमस्कार दोस्तों, आज से हम प्रैक्टिस करेंगे ड्राफ्टिंग, कटिंग और टेलरिंग की, सिलाई की। तो जो सबसे आसान जो काम है हम उससे स्टार्ट करेंगे, यानी बच्चे की नैपी बनाने से हम ये आज प्रैक्टिकल्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। सामने आपको ब्राउन पेपर दिख रहा है, इस पेपर पर सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग सिखाएंगे और फिर अगले वीडियो में हम उसकी कटिंग और फिर सिलाई। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हम छोटे नैपी बच्चों के लिए बना रहे हैं, इसके लिए ज़्यादा करके हम कॉटन का कपड़ा यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉटन का कपड़ा छोटे बच्चों के लिए उसका रैश वगैरह नहीं कुछ आता, इसलिए हम वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये कपड़ा भी जो हम काटेंगे, पहले पेपर कटिंग करेंगे, बाद में हम उसका कपड़े पे रख के कटिंग करके फिर सिलाई काम करेंगे। इसके लिए हमें छोटे बच्चे का तो नाप नहीं ले सकते, लेकिन हम जनरल में नाप लेंगे उसका सीट का, तो वो रहेगा हमारा 15 इंच। मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि हमने अभी बड़े बड़े शब्द उपयोग किए हैं, ड्राफ्टिंग, कटिंग और टेलरिंग, सिलाई। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, ड्राफ्टिंग वास्तव में ड्राफ्टिंग है क्या? ड्राफ्टिंग का मतलब ऐसा होता है कि जो भी कपड़ा हमें सिलाई करना है, सिलाई करने का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी काटा, कैसे भी काटा और सिलाई करके पहन लिया। अच्छी तरीके से, अच्छे नाप लेके जब हम अच्छी तरह से बराबर उसको सिलाई करते हैं, तभी उसे अच्छी सिलाई बोलते हैं। तो इसके लिए हमें जो नाप लेना है, वो पहले हम कच्चे तौर पे पेपर पे बना लेते हैं, वो कटिंग करके देखते हैं और हमारे पास जितना कपड़ा अवेलेबल है वहां पे वो कपड़ा बराबर बैठता है या नहीं वो देखते हैं और फिर हम कटिंग करते हैं। ऐसा ना हो कि कभी हमारे पास कपड़ा छोटा है और हमारा सिलाई करने वाला कपड़ा बड़ा हो गया, तो हमें कई कम ज्यादा करने पड़े, तो कपड़े की दिक्कत आती है। इसलिए हम पहले जितनी बार हो सकता है उतनी बार हम पहले पेपर पे ड्राफ्टिंग करेंगे और उसके बाद हम नाप निकालेंगे। सब नाप निकालने के लिए जो हम पेपर पे डायग्राम या आकृति बनाते हैं उसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो सिलाई का पहला तरीका है कि हम ड्राफ्टिंग करें, उसके बाद कटिंग करें और फिर कपड़ा कटिंग और सिलाई। तो अभी मैं पहले आपको बताती हूँ नैपी का, इसका सीट का भी पहले जैसे हमने देखा कि 15 इंच सीट है, पहले हम यहाँ जीरो लेंगे। जीरो से एक लिया है कि हमने 15 इंच जितना सीट है उतने सीट तक हम वो 15 इंच ले लेते हैं। 15 इंच के बाद एक 15x15 का हम चौकोर निकाल लेंगे। अच्छा, हम मान के चल रहे हैं कि 15, हाँ मिनिमम हम छोटे 7 से 8 महीने तक का बच्चा, तो इसके लिए हम 15 इंच ले सकते हैं। आपको अगर चाहे तो आप इसे थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके हिसाब के बराबर से आ जाएगा। तो ये 15 इंच अभी पहले हमने लिया है, चाहे तो हम 12 इंच का भी ट्राई को आपके लिए 12 इंच का बना देते। तो 12 इंच x12 इंच का हम पहले स्क्वायर बना लेंगे। दोस्तों, ये आप ये मेजरिंग टेप का उपयोग देख रहे हैं, इसमें जो ये जो 1 2 3 4 ये जो अंक दिख रहे हैं, ये इंच में है। तो मैडम ने ये जो एक स्क्वायर यहाँ से बनाया हुआ है, ये देखिए 12 इंच का, ये 12 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए ये 12 इंच का हुआ। ठीक है, 12 इंच में एक फीट होता है, 12 इंच का 1 फीट होता है। अभी देखो, 12 इंच x12 इंच का हम एक ऐसा सीधा स्क्वायर बना लेंगे, चाहे तो आप ऐसा भी मोड़ के सीधा स्क्वायर बना सकते हो, ये आपको जरा थोड़ा आसान हो जाएगा। ये देखो, अभी ये हमें चौकोन करके फिर उसको ट्रायंगल, हमें नाप के लिए हमें ट्रायंगल लेना है, तो ये ट्रायंगल का फिर हम यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसका आधा करेंगे। ये देखो, अभी हम यहाँ से यहाँ तक नाप लेते हैं कितना है, तो ये हुआ 18, तो 18 का आधा हो गया 9 इंच। हम 9 इंच पर एक मार्किंग करके रखेंगे। हाँ, 9 इंच के बाद हम दोनों तरफ और 1 1 इंच के लिए मार्किंग करके रखेंगे। ये मार्किंग हम इसलिए करेंगे क्योंकि कमर हमारी वैसी छोटी रहती है और पीछे जो हमारी हड्डी, मतलब हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी जो रहती है, उसके लिए हमारी थोड़ी गैप रहती है, इसलिए हम यहाँ टक्स डालेंगे तो वो कमर पे फिट बैठेगा। और फिर हम यहाँ एक और एक्सटर्नल पट्टी भी लगा देंगे, तो वो पीठ की तरफ हमें टाइट बैठेगा। अभी हम यहाँ से यहाँ तक एक कटिंग कर लेते हैं पीस। मैम, एक बार आप फिर से बता सकते हो? ओके, ठीक है। ये देखो, पहले तो नाप के हिसाब से हम 15 इंच x15 इंच का एक स्क्वायर बना लेंगे। अभी यहाँ हमने ट्रायल के लिए 12 इंच का बनाना है, फिर 12 इंच को हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। उसके बाद ये जो कोना है हमारा, ये और ये, इसका हमने आधा निकाला,
9 इंच या 18 इंच हुआ था, ये 9 इंच, ये 18 हाँ 18 इंच 9 इंच उसके आधे पे 9 इंच मार्किंग किया उन्होंने, फर्स्ट मार्किंग। फिर उसके बाद हमने और एक एक इंच दोनों तरफ का मार्किंग किया जहाँ हम छोटी छोटी प्लेट्स डाल देंगे। अभी हम यहाँ से कट कर लेते हैं, पर हमेशा ध्यान में रखें कि कैंची पेपर की कैंची यूज करें आप, ना कि टेलरिंग की कागज काटने पेपर कपड़ा काटने वाली कैंची आप ले लें। चलाने के लिए काफी प्रैक्टिस की आवश्यकता। हाँ, जैसे ये फोल्ड होता है तो वो जो थोड़ा काटने पे दिक्कत होती है, अगर हम सीधा काटते हैं तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन जब हम फोल्ड काटते हैं तब देखना चाहिए कि वो सही फोल्ड पे कटा, इधर उधर नहीं कटना चाहिए। अभी देखो ये हमारा एक पार्ट तैयार हो गया। अभी ये 9 इंच और ये दोनों मैंने जो एक एक इंच का किया, यहाँ हम ऐसे खचका लगाते हैं, इसको बोलते हैं कि खचका लगाना। अच्छा, एक निशान। हाँ, निशान बनाते हैं कि कुछ हमें समझ में आता है कि नहीं, ये हमने किसी प्रॉपर काम के लिए यहाँ खचका बना के रखा है। और एक यहाँ भी खचका लगा के रखेंगे और एक यहाँ भी खचका लगा के रखेंगे। ये हमारे जो दो निशान बनाए थे आपने, जो सेंट्रल में हाँ, बनाया था उसके आसपास एक एक इंच का गैप, वाह, तीनों पे हमने खचके लगा लिए। उसके बाद अभी है ये हमारा पेपर कटिंग का काम पूरा हो गया। इसके बाद हम कपड़े पर कैसा कटिंग करना है वो देखेंगे और सिलाई का तरीका कैसा है तो वो देखेंगे। ये ड्राफ्टिंग हुई, ये ड्राफ्टिंग हुई। रफ प्रैक्टिस है हमारे की, इसके हिसाब से हमें अंदाजा भी आता है कि ये इतना हो गया तैयार, तो अभी ये सिलाई के बाद थोड़ा एक पाव इंच कम होगा तो वो बच्चे के लिए बराबर है। अभी जो हम जिस बच्चे के लिए सिलाई करते हैं या इससे हमें थोड़ा बड़ा चाहिए, अगर इतना ही बराबर है तो हम ये काट लेते हैं, बड़ा चाहिए तो हम बड़ा भी काट सकते हैं। मैम ये बताएं कि हर प्रकार के कपड़े के लिए या हर जो जैसे फ्रॉक वगैरह हो गया या जितने प्रकार के कपड़े होते हैं उसके लिए क्या अलग अलग प्रकार की ड्राफ्टिंग होती है? हाँ, अलग अलग प्रकार की ड्राफ्टिंग होती है। जैसे आपको डिजाइन बनाना है चाहे फ्रॉक का हो या ब्लाउज का हो तो वो, लेकिन बेसिक तो एक ही रहता है। बेसिक फ्रॉक को पहले कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद उस पर जो भी डिजाइन बनाना है उसके हिसाब से हम पेपर कटिंग और भी उसके जो फैशंस हो गए वो कट करते हैं अलग अलग पीस पे और वो उस पर ट्राई करके सिलाई करते हैं। वहाँ मार्जिन कहाँ हमें ज्यादा छोड़नी है सिलाई के लिए वो हम इसी पे देखते हैं और उसके बाद हम कपड़े पे कटिंग करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना किस प्रकार से हमने एक ब्राउन पेपर पर नैपी के डिजाइन का एक आकार काटा हुआ है, इसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं। तो नैपी की ड्राफ्टिंग इस वीडियो में आपने देखी। अगले वीडियो में हम पेपर पर इसकी कटिंग कर सॉरी कपड़े पर इसकी कटिंग करना सीखेंगे। तो आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।